अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा लेडीज पैंट की कटिंग। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन पे शो होती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, लेंथ है मेरी 39.5 और गिद्दी है 29.5, कमर है 35.5 और हिप है 40, मोरी है 13.5। मेरी स्क्रीन पे नाप शो हो रही होगी, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर लेके एक मारी की आप लगा लेंगे। अब लेंथ यहाँ से 1 इंच ऊपर रख के इंची टेप ये आप लेंथ मिला लेंगे। लेंथ आएगी 39.5 है दोस्तों, तो 39.5 पे ये मारिक लगा लेंगे। अब गेदरी है दोस्तों 29.5, तो ये 29.5 पे हम ये मारिक लगा लेंगे। अब ये दोनों का आधा करके दोस्तों, 29.5 है तो 15.5, आधा होता है 15.5, और 2 इंच ऊपर आधा करके 2 इंच कम कर दीजिए, 13.5 पे ये मारिक लगा लीजिए। अब दोस्तों, हिप है 40, ये चौथाई से 2.5 इंच आप बढ़ा दीजिए, यानी 4.5 होती है 10, तो 2.5 इंच और बढ़ा दीजिए, 12.5 पे ये मारिक लगाइए और उसका आधा कर लीजिए, उसका आधा होता है 6.25 पे ये मारिक लगा लीजिए। और यहाँ से दोस्तों 2 इंच, 2.25 इंच लेडीज है तो हम 2.25 इंच पे ही ये मारिक लगाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, ये जो आप सेंटर का मारिक लिया है, यहाँ से आप मिला लीजिए 7.5 और 7.5, यहाँ पे भी इस तरह से रख के आप मारिक लगा लीजिए। इससे क्या होगा, बिल्कुल आपकी पैंट जो कटेगी बिल्कुल तार पे कटेगी इस तरह से। ये मारिक पे मिला के आपको बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे इसको ऐसे मिला लेना है। तो लेडीज है और फिटिंग मेरी बहुत पहनती हैं वो, तो दोस्तों अब हमको मोरी रखना है 13.5 मोरी है दोस्तों, तो हम 7.5 होता है, हाँ 7.5 होता है, तो हम ये 3.5 से 1 सूत कम ये मारिक लगाएंगे और ये 7.5 का आधा होता है 3.5 से 1 सूत कम मान लीजिए, तो ये इसको सेंटर में रख के आप मोरी का निशान लगा देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये जो आपने मारिक लगाया था हाफ करके 2 इंच ऊपर, यहाँ से स्क्वायर रख के आप इस तरह से स्क्वायर से इसको भी मिला लीजिए और ये मारिक को भी इस तरह से मिला लीजिए और इसी तरह से स्क्वायर से आप इसको भी मिला लीजिए। ध्यान रहे जरा भी स्क्वायर तिरछी ना हो, ये हो गया दोस्तों। यहाँ 3 इंच ऊपर एक मारिक ये लगा लीजिए, उसके बाद अच्छे से फ्लाई की ये गुलाई दे दीजिए। अब ये दोनों के बीच में दोस्तों, ये दोनों के बीच में एक मारिक लगा लीजिए। अब बड़ा पुट लेके इस तरह से ये मारिक से दोस्तों, ये दोनों के बीच में जो लगी यहाँ से, और ये जो आपका मोरी का निशान लगा हुआ है बॉटम का, इस तरह से इसको ऐसे मिला लीजिए। अब शेप पट्टी दोस्तों रख के इस तरह से ये इससे मिला लीजिए, इसको भी नाप लीजिए, ये जितना आता है दोस्तों, ये 4.5 है तो 4.5 यहाँ पे भी मारिक लगा लेंगे, इसको भी मोरी में इस तरह से, ये निशान को भी मोरी में इस तरह से मिला लेंगे। अब दोस्तों 1.25 इंच अंदर ये मारिक लगाएंगे, शेप पट्टी रख के इस तरह से इसी पे ये मिला लेंगे। कमर मिलाने में थोड़ा एक आध सूत इधर उधर हो तो वो आप एडजस्ट कर लेंगे। हिप 40 है दोस्तों, तो यहाँ पे भी एक बार मोटा मोटा आइडिया ले लेंगे। तैयार मेरी 10 इंच यहाँ पे आना चाहिए, ये 10 इंच ये सिलाई चली जाएगी, ये सिलाई चली जाएगी, तो 10 इंच ये भी तैयार आएगी।
इस तरह से हम कमर की एक बार मिला लेते हैं दोस्तों। फ्लाई देख लेते हैं मेरी तैयार कितनी आ रही है। फ्लाई दोस्तों आएगी लगभग 10:30। लेडीज है बहुत है इतनी फ्लाई दोस्तों। तो कमर मिला लेते हैं, कमर है दोस्तों 35.5। तो 9 इंच लगभग होता है, 9 से 1 सूत कम। तो दोनों तरफ सिलाई रख के आप 9 से 1 सूत कम पे 35.5 से यानी होता है, तो उसका चौथाई करके आप ये मारिक लगा लीजिए दोनों तरफ सिलाई छोड़ के। इसके बाद इस शेप पट्टी से दोस्तों, ये शेप पट्टी ये रख के अच्छा सा दोस्तों शेप दे दीजिए, क्योंकि दोस्तों लेडीज है तो हिप ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे फूलेगा तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि पॉकेट ज़्यादा भी नहीं फूलना चाहिए, नहीं तो पॉकेट लगाने में साइड पॉकेट क्रॉस पॉकेट का वो भी पॉकेट भी फूलने लगेगा, उठने लगेगा। ये इस तरह से आप शेप दे दीजिए। अब ये जो हल्का से यहाँ से 1/4 इंच पे 1/4 इंच पे निशान लगा लीजिए बॉडी, जिस तरह से आप उसकी बॉडी देख रहे हैं, अगर वो स्लांट है नीचे थोड़ा सा इस तरह से बॉडी है तो आप उतना स्लांट कर लीजिए, तो सामना बहुत साफ होता है उससे। 1/4 इंच आप स्लांट कर लीजिए, हर की पैंट में दोस्तों नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी पे एक नज़र भी मार लेना चाहिए कि बांधता कहाँ से है, आगे से बिल्कुल नीचे है या बैक कैसी है, तो सब ध्यान देते हुए उसको स्लांट करना चाहिए। अब कमर लिख लीजिए आप 35.5 है, ऑर्डर नंबर लिख लेते हैं, लेंथ अब मिला लीजिए दोस्तों एक बार, लेंथ है 39.5। एक बार मिला के फिर से निशान लगा लीजिए। अब दोस्तों यहाँ से जितनी लेंथ आ रही है, यहाँ से आ रही है 29.5, तो यहाँ से भी 29.5 जो सूत ज़्यादा ले लीजिए, ये निशान लगा लीजिए। स्क्वायर रख के दोस्तों इस तरह से, इस तरह से दोस्तों आप मिला लीजिए। दोस्तों एक बार हम शीट मिला लेते हैं, ये 12.5 चौथाई से दोस्तों 2.5 इंच ज़्यादा रहेगा ये पॉइंट से, ये ना देखिए 12.5 आ रही है, 10 चौथाई होता है 10, 1 इंच 2 इंच, ये 12.5 2.5 इंच हो गया। अब दोस्तों इसकी कटिंग कर लेंगे दोस्तों, चूंकि मेरे यहाँ ट्रायल होता है तो हम पास में एक सिलाई का दबाव रख के कटिंग करेंगे, सामने भी ऊपर भी एक सिलाई का दबाव रखेंगे इस तरह से दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आप कटिंग कर लेंगे दोस्तों। वीडियो समझाने में हो सकता है हम थोड़ा सा अच्छे से नहीं समझा पा रहे हो, तो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वो और रिप्लाई देके आपको बता दूंगा। इस तरह से आप अच्छे से, आपको कहीं पे शेप टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है तो आप अपने सीजर से कैंची से भी उसको ठीक कर सकते हैं। मालिक तो अलग चीज़ है, लेकिन आपको कहीं भी तिरछा लग रहा हो, टेढ़ा मेढ़ी मालिक लग रही हो, तो आप कैंची चलाते वक्त उस चीज़ को ठीक कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों इस तरह से मेरा शेप आएगा। ये मेरा दोस्तों सामना हो गया, तो हम इसकी बैक काट लेंगे, इस तरह से कपड़े को बिछा लेंगे। इस तरह से कपड़े को बिछाने के बाद दोस्तों, अगर आपको तार पे ही काटना चाहिए पैंट, कपड़ा कम है तो वो बात अलग है कि आप थोड़ा सा तिरछा कर लीजिए, क्रॉस कर लीजिए, वो कपड़ा कम है तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन अगर कपड़ा है तो बिल्कुल आपको तार पे ही पैंट काटना चाहिए। तार पे काटने के लिए अब क्या करेंगे, बैग में ये यहाँ पॉइंट पे रख के कपड़े की ये जो सिरा है इसको नाप लेंगे, ये 8 इंच आ रहा है मेरा, वही उसको भी यहाँ पे उतना ही रखेंगे। ये देखिए ये मेरा थोड़ा सा और जाएगा, ये हो गया दोस्तों।
दोस्तों हम बैक का मार्क लगा लेंगे। सबसे पहले ऊपर एक मार्क ले लेंगे, ये यहाँ से दोस्तों एक इंच, जैसे कमर, जैसी कमर की अगर कमर ज़्यादा कम है, हिप से 5-6 इंच का फर्क है, तो यहाँ आप कम लीजिए 1 इंच से, नहीं तो 1 इंच पीछे जाइए। यहाँ पे तो 35 कमर है और 40, तो हम यहाँ पे 1 इंच पीछे जाएंगे सामने से, ये 1 इंच पीछे जाएंगे। और दोस्तों लेडीज़ पैंट है तो यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं उठाएंगे, 1.25 इंच 1.5 इंच ही उठाएंगे बैग। इस तरह से सभी मारिक को इस तरह से आप लगा लेंगे, सभी मारिक को मिला लेंगे, क्योंकि ये दबाव है इसलिए हमको इस तरह से निशान लगाना पड़ेगा मारिक पे ही। बैग में भी दोस्तों पास में दबाव रखेंगे, क्योंकि ट्रायल होता है, ट्रायल होने के बाद हम सारा दबाव काट के निकाल देते हैं। दोस्तों कोशिश हम ये भी कर रहे हैं कि आपको दिखाएं कि हम कैसे ट्रायल करते हैं, आगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ट्रायल भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारे यहाँ ट्रायल होता है। ये दोस्तों एक आइडिया के लिए 1.25 इंच हम डार्ट का डार्ट पे मारिक लगा लेते हैं कमर मिलाने के लिए, बाकी जब कारीगर मिलाएगा तो वो सच्चा निशान पॉकेट जहाँ पे आएगा वो लगा लेगा। अब कमर मिला लेते हैं दोस्तों, कमर है दोस्तों 35.5, तो 9 से 1 सूत कम ये आया, अब यहाँ पर रखेंगे 9 से 1 सूत कम, ये मेरी डार्ट हो जाएगी, ये डार्ट हो गई, ये आया 17.5, 18 होता है 35.5 का, तो 18.5 पे ये मारिक लगा लिया। इसको भी 2 सूत यहाँ से दोस्तों 2 सूत नीचे एक ऐसे मारिक लगा लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 1.25 इंच, 1/4 से 1/4 इंच ज़्यादा, 11.5 पे ये मारिक लगा लेंगे। अब ये दोनों को अच्छे से मिला लेंगे, ये गुलाई भी अच्छे से दोस्तों दे देंगे। दोस्तों अब यहाँ से 1/4 इंच पे ये मार्क लगाएंगे, यहाँ पे भी 1/4 इंच पे ये मार्क लगा लेंगे। इस तरह से इसको स्क्वायर से इस तरह से एक निशान ले लेंगे, वैसे ही यहाँ पे भी जो आपने मार्क लगाई थी यहाँ पे भी थोड़ा सा, अगर आपको शेप देना है क्योंकि लेडीज़ है तो हमको शेप देना पड़ेगा, तो ये निशान से आप 2 सूत 1/4 इंच अंदर हो जाइए, तो हम थोड़ा सा शेप देंगे तो 1/2 इंच लगभग हम अंदर होते हैं, क्योंकि कपड़ा भी बहुत फाइन है तो बहुत लूज रहेगा तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कपड़े को भी नज़र दोस्तों देना चाहिए कि कपड़ा कितना पतला है या मोटा है, किस तरह से कपड़ा है, उस तरह से आपको कटिंग करनी चाहिए। देखिए ये हम 1/2 इंच लगभग अंदर हो गए हैं। अब दोस्तों हम अच्छा सा शेप देते हुए, क्योंकि लेडीज़ है उनको बिल्कुल फिटिंग में पैंट चाहिए होती है, तो हम यहाँ पे शेप देंगे इस तरह से, हल्का सा और ये शेप देंगे दोस्तों, ये देखिए देखिए दोस्तों ये मारिक मेरी ये थी, लेकिन हम 1/2 इंच और अंदर गए शेप देते हुए। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, जो गिद्दी का ये एंगल है, ये गुलाई जो होती है, ये नाप हमने आपको पहले भी बताया है कि किस तरह से हम थाई की नाप रखते हैं, ये हम कुछ नहीं करते, बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। हिप जितनी होती है मेरी 40 इंच हिप है, तो हम 40 इंच ये लेके ये एक मारिक लगा लेंगे। दोस्तों ये फार्मूला बहुत ही स्टीक आता है, इसमें थाई को भी नापना नहीं पड़ता, बिल्कुल परफेक्ट मेथड है दोस्तों। अब दोस्तों अब यहीं से आपको 1/4 इंच ज़्यादा लेना है, इस 1/4 इंच ज़्यादा लेते हुए शेप कर देना है, वो आपको जैसा शेप देना हो उस तरह से शेप दे देना। फिटिंग पहनती हैं तो ज़्यादा शेप दीजिए, नहीं तो नॉर्मल रखिए, जिस तरह से भी दोस्तों। थोड़ा सा शेप हमको कम लग रहा है तो हम थोड़ा सा शेप और देंगे, इस तरह से दोस्तों। ये भी एक मोटा मोटा डाट का मारिक लगा देते हैं, बाकी जब कारीगर पॉकेट बनाएगा तो वो नाप के जहाँ पे आना चाहिए पॉकेट वो लगा लेगा।
तो दोस्तों ये होगी मेरी पैंट की बैक की भी कटिंग कंप्लीट हो गई। दोस्तों ये जो आप एक चीज़ नहीं बताया था आपको, ये जो बैक एंगल लेंगे, बैक की गुलाई लेंगे, यहाँ से पौन इंच, ये पॉइंट से पौन इंच नीचे होना चाहिए। बाकी अगर साइज के भी ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों ये चीज़, जितना एंगल ज़्यादा होगा उतना ही नीचे होना चाहिए। अब दोस्तों इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे, मार्जिन रख के एक सिलाई ऊपर मार्जिन रखते हैं दोस्तों, सारा मार्जिन हम साइड के बाद निकाल देंगे। बैग में आपको जितनी दबाव रखना हो कमर के पास उस तरह से, फिर धीरे धीरे यहाँ पे कम होते हुए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में शो होती रहे। दोस्तों बहुत से लोगों ने मुझसे सिलाई की भी बात कही है कि सिलाई सिखाइए, तो दोस्तों मेरा टाइम दिन भर यहाँ ही निकल जाता है सिलाई के लिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी मैं उसको भी आपको बताऊँगा, क्योंकि मैं भी ड्यूटी करता हूँ यहाँ, तो मेरी सुबह से शाम रात तक यहीं मैं निकल यहीं गुजर जाती है, इसलिए मैं आप लोगों को सिलाई अभी नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा। इस तरह से दोस्तों दबाव जिस तरह से आपको रखना हो उस तरह से आप दबाव रख सकते। तो दोस्तों ये मेरी लेडीज पैंट की कटिंग कंप्लीट हुई। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।